सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल पॉलिप, सर्विक्स पॉलिप। पॉलिप किसको बोलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए पॉलिप क्या है, एक अबनॉर्मल मास जैसा स्ट्रक्चर है। मास जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बन जाता है, कहाँ बन जाता है, तो सर्विक्स से बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं यूट्रस में ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स का जो बाहरी लेयर होता है जो कि स्क्वामस सेल से बना होता है और ये सिंगल लाइन का बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से, यही लाइन यही सेल जो होती है ये धीरे धीरे हाइपरट्रोफी हो जाता है और हाइपरट्रोफी हो करके एक मास के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। और यह बना है सर्विक्स में, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स पॉलिप या सर्वाइकल पॉलिप बोलते हैं। तो ये कैसे हो जाता है इस बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि जैसे कि हम इसको हम यहाँ से स्ट्रक्चर को हम ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे ये लाइनिंग है, सर्विक्स का लाइनिंग है ये, है ना, ऊपर लाइन, उसका अंदर का ये लेयर हो गया। तो अब दिक्कत क्या होता है कि ये सर्विक्स का इस लाइनिंग में और इसके बीच में धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है और इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करता है। अब ये प्रेशर जब बढ़ेगा, अब क्यों प्रेशर बढ़ेगा ये तो जिक्र करेंगे ना, आखिर दोनों के बीच में यहाँ पर क्यों प्रेशर बढ़ेगी, फ्लूड के एक्युमुलेशन से, प्रेशर फोर्स के कारण या कोई और भी कारण से। अब प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वह लेयर जैसा था वही रह जाएगा और इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप बन जाएगी। अब गैप बनने का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सेल जो होता है धीरे धीरे साइज इसका बड़ा होने लगेगा और ये चीज हाइपरट्रोफी हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, प्रेशर और बढ़ेगा, इसमें धीरे धीरे क्या होगी, वो लेयर जैसा था उतना रहेगा उसी तरह से और इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रेशर ऐसे बन जाएगी और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना, ये स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। अब यही जो स्ट्रक्चर बन गया इसी को हम कहते हैं पॉलिप बोलते हैं, इसको पॉलिप बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स भी कुछ रहेंगे, कुछ सेल्स हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। तो सेल हाइपरट्रॉफी हो करके और इस तरह का मास का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं पॉलिप बोलते हैं। चलिए ये तो बात समझ गया कि पॉलिप हो गया। अब बात करते हैं ये पॉलिप कितने तरह के होते हैं। ऐसे ये पॉलिप और सर्विक्स दो वैराइटीज के होते हैं, एक होता है सेसाइल, एक होता है पेडंकुलेटेड। सेसाइल का मतलब होता है क्या कि जैसे देखिए मान लीजिए सपोज दैट ये स्ट्रक्चर है और मान लीजिए इसमें ऐसे बन गया, अलग से स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको बोलेंगे सेसाइल। और इसी में अगर ऐसे बन गया, अगर भाई देखिए पेडंकुलेटर बन जाती है, इसे पेडंकल, इसको बोलते हैं पेडंकल बोलते हैं, पेडंकल। और ये हो गया क्या, सेसाइल, है ना, तो सेसाइल हो गया पेडंकुलेट। तो जो जिसमें कि क्या होता है, जो इसमें अगर वृत्त नहीं रहेगा तो उसको बोले सेसाइल बोलेंगे, अब वृत्त बनने का क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि दो वैरायटीज के पॉली बन जाते हैं, एक सेसाइल बनता है और एक पेडंकल बनता है बोलते हैं। तो पेडंकल मतलब जो लटका हुआ होता है, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। चलिए ये तो हो गया मेरा पॉली बनने की बात है। बात करते हैं आपकी क्यों बन जाता है ये। देखिए सबसे बड़ा चीज की पता तो कभी चलता नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बनने का होता है सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन बार बार होने के कारण, रिप्टर इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होती है, यहाँ बार बार यहाँ फ्लूड का जमा होता है, बार बार फ्लूड एक्युमुलेट करेगी, एक एक्सुडेशन होते रहे वहाँ पे, तो बार बार सर्विसाइटिस होने के कारण यहाँ पे पॉलिप बन सकता है। नंबर टू, ओबेसिटी के कारण, ओबेसिटी से भी क्या होती है कि ये जो लेयर होता है ना, इस पर प्रेशर इंक्रीज करती है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो इसके कारण भी क्या होगा, पॉलिप बन सकता है, ओबेसिटी पे ज़्यादा फोर्स बनता है। नेक्स्ट, सर्वाइकल लेंथ इंक्रीज, सर्विस का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होगा तब भी उस केस में क्या होगा कि फोर्स ज़्यादा लगता है इसमें और यहाँ पे पॉलिप बन सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कॉज क्या होता है, जैसे कुछ स्मोकिंग फैक्टर है, ये भी कभी कभी जो होता है यहाँ पे पॉलिप बना सकता है। अगला जो कारण होता है रिपीटेड डीएनसी, बार बार डीएनसी करने का क्या होता है, बोसलन टूथ फोर्स से क्या किया जाता है, सर्विस को पकड़ते हैं। अब बार बार सर्विस को अगर पकड़ेंगे बाय द वे बार बार इंजुरी होगी, चाहे डीएनसी से है या फिर कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करेंगे, तो कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर करने से क्या होता है कि सर्विस में इंजुरी होती है,
तो इसके कारण भी क्या हो सकता है कि पॉली बन सकता है। उसके बाद कोई इन्फेक्शन है जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, हर्पिस का इन्फेक्शन, तो यहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होने के कारण भी क्या होती है कि यहाँ पे पॉली बन सकते हैं। तो पॉली बनने का ये सब बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण पॉली बन जाता है। अब क्या, अच्छा एज क्या लेंगे, ये किसी भी एज में बन सकता है, या तो एडल्टहुड में बनता है, एडोलेसेंट में देखते हैं बनता है, 25 इयर्स में भी देखे हैं बना है, तो ये किसी भी एज में पॉली बन सकता है। अगर ये पॉली बनता है तो इसका मरीज का सिम्टम क्या होता है ये देख लेते हैं। पॉलिप होने के कारण क्या होता है कि सबसे पहला कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है यहाँ से, और ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग प्लस डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। अबनॉर्मल ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि विदाउट मेंस का क्या होता है ना, ब्लीडिंग होते रहता है, और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब कि मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है, या तो रिपीटेड ब्लीडिंग होंगे, अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होता है। दूसरा क्या होगा, अगले अबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, यहाँ से क्या होगा लिक्विडियल डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होती है यहाँ पे, ये भी एक सिम्टम मिलता है इसमें। नेक्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यहाँ पेन होता है यहाँ पे, नेक्स्ट इरिटेशन होता है यहाँ पे, है ना, प्लस अगला फुलनेस ऑफ एनल सेंसेशन, पेशेंट को लगता है कि वहाँ पे कुछ है, कोई मास है या कुछ है, उसको ऐसा अनुभव होते रहता है। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय उसे पेन हो सकता है या फिर कोई और भी डिजोर्ड आ सकता है। तो जनरली क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा जो डिजोर्ड हम देखे हैं आज तक सर्विस पॉलिक में, उस सबसे ज्यादा मिलता है ब्लीडिंग का काज, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मिलता है, ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होने लगता है इसमें, क्योंकि मास अबनॉर्मल बन जाता है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अगर इसको देखें कैसे इसको, तो इसको हम अगर बाय द वे कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे वजाइना में, तो कोल्पोस्कोपी करने से क्या हो सकता है, आराम से पॉलिप दिखाई दे देता है, तो यह बेस्ट है। इसके बाद क्या है, साइन में तो ये मिला, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस हो सकता है, पॉलिप है ना, कैंसर बन सकता है। इसके बाद इरोजन हो सकता है इसमें, पॉलिप का साइज अगर बड़ा हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ को अंदर जाने से प्रिवेंट कर सकता है, तो ये आपको आप इस सिम्टम इसमें आ सकता है और कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्या हो जाएगा इसमें, इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए हम पता कैसे करेंगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, इससे जो होता है पॉलिप क्लियर पता चल जाता है। और नेक्स्ट कोल्पोस्कोपी बताना, कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन भी करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कोल्पोस्कोपी है या फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, इससे हम लोग क्या करते हैं इसके सर्विस पॉलिप को देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे ट्रीटमेंट के बारे में, इसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है इसके लिए हम लोग पॉलीपेक्टोमी। पॉलीपेक्टोमी मतलब जो पॉलिप होता है उसको यहाँ से क्या करते हैं, बाय कॉटरिंग बोल ब्लेड से या डायथर्मी ब्लेड से उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन एक बार जब रिमूव कर दिए तो ऐसा नहीं कि फिर नहीं बनेगा, ये फिर बन सकता है। हमें क्या करना होगा, जो भी कॉज है, एक्साइटिंग कॉज है, उसको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए क्या है, बेड को मेंटेन करना है, अगर सर्विसाइटिस है उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कोई अगर एसटीआई का प्रॉब्लम है तो उसका लिए मेडिसिन करते हैं हम लोग, ये इसके लिए क्या होता है ना, ट्रीटमेंट होती है। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, इसे मेडिसिन क्या करते हैं, सबसे अच्छा मेडिसिन इसके लिए थूजा है, एसिड नाइट्रिक है, एपिसमेल है, ये मेडिसिन इसलिए बहुत अच्छा चलाते हैं। तो ये था आपका सर्विस पॉलिप, अगर इसमें किस तरह का क्वेश्चन हो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।